तो टेंजन सामा कौन है? वेल, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टेंजन सामा जुजुत्सु काइसन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो टेंजन सामा ही है जो जितने भी पुराने या नए कर्सेज हैं या जुजुत्सु काइसन के जो बैरियर्स हैं या इवन खुद जुजुत्सु हाई भी, वो इन तीनों चीजों को बैलेंस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेंजन सामा जो कर्स एनर्जी या यू कहें जो कर्स टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम है कर्स टेक्निक ऑफ इमोर्टैलिटी, यानी कि वो बंदा अमर है लेकिन वो पूरी तरह से इमोर्टल नहीं है। उसको हर 500 साल बाद खुद की बॉडी को एक प्लाज्मा वेसल की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी बॉडी खुद को रीराइट करना फिर शुरू कर देती है, जिससे होता ये है कि टेंजन सामा ना तो एक इंसान रहेगा और ना ही वो एक कोई कर्स एनर्जी रहेगा, वो एक अलग ही एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो कि ना तो जुजुत्सु हाई के सॉर्सरर्स के लिए अच्छा होगा और ना ही ह्यूमैनिटी के लिए। और कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि टेंजन सामा वो अपर बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और अब इन 500 सालों को पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसीलिए ये मिशन गोजो और गेटो को दिया जाता है कि उन 2 दिन के अंदर उस प्लाज्मा वेसल की बॉडी को बचाना है किसी भी कीमत पर।